टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ, कमलेश्वर टीवीएस, नवरात्रि, धनतेरसवा, दीपावली की बुकिंग शुरू, आज ही आए। कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राहुल का अडानी पर 32,000 का घोटाले का आरोप, बोले विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हो गया। पीएम की सहमति बिना ये नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है, उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। राहुल ने आगे कहा, अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती है? उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, उनके पीछे किसकी शक्ति है? राहुल ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। हमारी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, वह अडानी पैसे लेते गरीब के पैसे लूट रहे हैं, यह सीधी चोरी है। भारत के प्रधानमंत्री के संरक्षण के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इन सज्जन अडानी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? प्रधानमंत्री इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? राहुल ने आगे कहा, इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाला है। अडानी ने कोयले के दाम को बढ़ाया जिससे बिजली महंगी हो गई। हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उससे 12,000 करोड़ रुपए सीधे अडानी की जेब में गए हैं। रोचक बात है कि यह स्टोरी आती है लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती।